प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली प्रगति मैदान में उत्तर प्रदेश पेवेलियन में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में पहुंचे। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटरनेशनल ट्रेड शो में लगी स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सीएम ने कहा यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कपड़ा उद्योग की क्षमता को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया। जब हम कपड़ा उद्योग की बात करते हैं तो कृषि के बाद ये दूसरा ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार सृजन की संभावनाएं हैं। हो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण इवेंट में उत्तर प्रदेश को एक पार्टनर स्टेट के रूप में भागीदार होने का अवसर दिया है और राष्ट्रीय राजधानी में एक साथ दो बड़े स्थानों पर, यहाँ भारत मंडपम में और उधर यशो भूमि पर, यह एक इंटरनेशनल इवेंट टेक्सटाइल के क्षेत्र के अतीत, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर के जो एग्जीबिशन लगी हुई है भारत टेक्स के नाम पर, यह एक अत्यंत सराहनीय पहल रही है। पिछले चार दिनों के अंदर इस फील्ड से जुड़े हुए ढेर सारे लोगों ने यहां पे अपनी सहभागिता की है। जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो भारत के अंदर एग्रीकल्चर के बाद जिस एक फील्ड में सबसे अधिक संभावना हो सकती है रोजगार की, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की, वह टेक्सटाइल का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश ने पार्टनर स्टेट के रूप में यशो भूमि में 20 एक्सीबिटर उत्तर प्रदेश के वहां पर स्थापित हुए हैं और 46 इस भारत मंडपम में उत्तर प्रदेश के हमारे अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए, खासतौर पर सिल्क, कारपेट और हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत उत्पाद है जिसे हमने उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है, इन सब को हम लोगों ने यहाँ पे इस एग्जीबिशन के रूप में जितने भी बायर्स आए हैं देश से, दुनिया से, उन सब के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे प्रसन्नता है कि जो भी यहाँ पे फॉरेन या फिर डोमेस्टिक बायर आए हैं, इन लोगों ने एग्जीबिशन को न केवल पसंद किया है बल्कि उनको ऑर्डर प्लेस भी किए हैं।